दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस लिमिटेड यानी कि HEC के द्वारा यहाँ पे जो है ट्रेनी की न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिस यहाँ पे जो है निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में इसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है और कौन से ट्रेड में कितने सारे सीटें यहाँ पे जो है HEC के द्वारा ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो है निकाली गई है। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे जो आपकी HEC के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट निकाली है जिसमें टोटल यहाँ पे जो है 206 यहाँ पे जो है सीटें हैं। ये आपका क्राफ्टशिप्स ट्रेनिंग स्कीम के तहत यहाँ पे जो है 2021-22 एंड 23 के लिए यहाँ पे जो है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो आप देख पा रहे कि कौन से ट्रेड में कितने सारे सीटें यहाँ पर जो आपकी रखी गई है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे जो टोटल आपका 20 सीटें हैं, इसमें जो है 2 साल की आपको यहाँ पर जो है ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एंड फिटर वालों के लिए जो है आपके इसमें भी जो है 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, इसमें टोटल आपको 40 सीटें हैं। वहीं पे मैकेनिस्ट के लिए जो है आपके टोटल आपको यहाँ पे 16 सीटें हैं, इसमें भी जो है आपका 2 ईयर्स के लिए जो है आपके यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वहीं पे वेल्डर या फिर कोपा या फिर सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए है जो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए जो है आपका यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है। यहाँ पे जो मैकेनिस्ट के लिए टोटल आपके यहाँ पे 16 सीटें हैं, वेल्डर के लिए यहाँ पे 40 सीटें हैं, कोपा के लिए यहाँ पे 48 सीटें हैं, वहीं पे सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए जो है टोटल आपका यहाँ पे 42 सीटें हैं। तो टोटल जो आपकी यहाँ पे HEC ट्रेनिंग के द्वारा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है 206 यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन की क्राइटेरिया आपको यहाँ पर रखी गई है तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगा उसमें जो आपका परसेंटेज आए होंगे तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो है आपको वेटेज दी जाएगी। जो फाइनल आपकी सिलेक्शंस होने वाली है मेरिट लिस्ट के जो अनुसार जो है आपको सिलेक्शंस होने वाली है। वहीं पे अगर क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है तो अगर आपने 10+2 कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10+2 या फिर 10+ अगर किसी में भी अगर आपके क्वालिफिकेशंस होगा, अगर आप ये सब जो ट्रेड दिए गए थे इसमें अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट भी जो है आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप इनमें अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते हैं, अगर आपका नाम यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आती है तो HEC के द्वारा यहाँ पर जो है ओपन राउंड काउंसलिंग आपको यहाँ पर की जाएगी, जो कि आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ओपन राउंड काउंसलिंग यहाँ पे 7/9/2021 से लेकर 9/9/2021 तक जो है 9 से लेकर 12 बजे तक आपका यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग की जाएगी, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको इसमें जो है अपलोड कर दी जाएगी कि कौन से यहाँ पे कब कब जो है इसके यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होगी। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं इसकी ओपन राउंड काउंसलिंग में। और अगर आप ओपन राउंड काउंसलिंग में भी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो वैसे कैंडिडेट भी जो है आप HEC में जो है आप यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं जो एज ए आपका HEC ट्रेनिंग के रूप में तो उनको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पर आपको 1000 रुपया आपको पे करनी होगी, जो आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है आपको पे करना होगा। तो आप डिमांड ड्राफ्ट कैसे आपको यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन से आपको बनवानी होगी तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको यहाँ पर देनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ब्रांच है हटिया धुरवा रांची में, इसके नाम से आपको DD बनवानी होगी। इस अकाउंट नंबर में जो है आपको 1000 पे करना होगा। वही कैंडिडेट आप इसमें पे कीजिएगा जो लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट एंड सिलेक्टेड होते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम जो है यहाँ पे 14 ईयर्स मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है यहाँ पे 40 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। जो अप्लीकेशंस भी आपको ली जा रही है तो अगर आप अदर्स कैटेगरी OBC नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी या फिर EWS की कैंडिडेट होंगे उनको 750 रुपये अप्लीकेशन भी यहाँ पर ली जा रही है। एंड जो लोग SC ST या फिर PWD के कैंडिडेट होंगे उनको किसी भी प्रकार की जो है अप्लीकेशन भी यहाँ पर नहीं ली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो आप चाहें तो इसको जो है रीड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे कि यहाँ पे जो बताएगी कि अप्लीकेशंस फॉर्म फॉर एडमिशंस अंडर CTS यानी कि आपका क्राफ्ट्समैनशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो है आपको डाउनलोड फॉर्म HEC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जो है आपका 25/6/2021 से लेकर 31/7/2021 तक जो है इसका
जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड 31/7/2021 से पहले जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो है आप, मैं आपको यहाँ पे देख पा रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होने वाली है। तो मैट्रिकुलेशंस की जो सर्टिफिकेट होती है, जो आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं, ये सब सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको रिक्वायर्ड होने वाली है अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो आधार कार्ड, ये जो आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फॉर एप्लीकेशंस भी, यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप पे कीजिएगा उसका रिसिप्ट भी, पेमेंट जो कीजिएगा उसको भी जो है आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाली है। एंड जो काउंसलिंग के समय जो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने वाली है, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसके ओपन राउंड काउंसलिंग में अगर आप जाते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के करके जो है आपको लेके जानी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडिडेट देख पा रहे कि जो एड्रेस आपको दी गई है, इसी एड्रेस में जो है आपको यहाँ पे बाय पोस्ट या फिर इसकी जो एसटीआई की जो काउंटर होगी वहाँ पे जाकर भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है हैंड टू हैंड वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं या फिर इसको पोस्ट, आप चाहें तो स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन पोस्ट के माध्यम से जो है 31/7/2021 से पहले जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैनेजर HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपका यहाँ पे दी गई है, इस एड्रेस में जो है आपको स्पीड पोस्ट या फिर बाय कॉरियर के माध्यम से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अवेलेबिलिटी जो अप्लीकेशन फॉर्म है 25/6/2021 से जो है आपका यहाँ पे ओपन हो गई है। वहीं पे जो लास्ट डेट फॉर रिसीविंग अप्लीकेशन फॉर्म जो है 31/7/2021 है। एंड जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यहाँ पे कौन से कैंडिडेट आप सेलेक्टेड होते हैं तो जिनका यहाँ पे फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन की जाएगी 16/8/2021 को जो है आपके फर्स्ट जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की जाएगी। एंड एक्सपेक्टेड जो काउंसलिंग डेट फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो काउंसलिंग होगी 23/8/2021 को होगी। वहीं पे जो एक्सपेक्टेड डेट आपको दी गई है सेकेंड मेरिट लिस्ट की पब्लिकेशन के लिए 27/8/2021 को जो है यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो है पब्लिकेशन की जाएगी। एंड जो काउंसलिंग होगी आपकी यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए 31/8/2021 को जो है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए जो है काउंसलिंग होगी। वहीं पे जो आपका एक्सपेक्टेड डेट दी गई है ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए, अगर यहाँ पे सीट रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, तो 3/9/2021 जो है आपका यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होगी। वहीं पे जो एक्सपेक्टेड डेट दी गई है ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए 7/9/2021 से लेकर 9/9/2021 तक जो है ओपन राउंड काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे दी गई है। एंड जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेकेंड राउंड अगर आप इसमें सेलेक्टेड होते हैं तो वैसे कैंडिडेट जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है 13/9/2021 को जो यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी। एंड जो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे दी गई है, जो कि स्टार्टिंग सेशंस के लिए 20/9/2021 जो है इसका यहाँ पे जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस माध्यम से जो है आपका यहाँ पे जो है काउंसलिंग या फिर मेरिट लिस्ट के बारे में एक्सपेक्टेड डेट आपको यहाँ पे दी गई है। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर आप HEC में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो कि आपको ऊपर में जो ट्रेड दिए गए थे वो ट्रेड में जो यहाँ पे 2 साल या फिर 1 साल के लिए यहाँ पे जो है दोनों में आपको यहाँ पे जो है आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं HEC में तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म की रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।